जैसे कि हमारे को बृहस्पतिवार की नाइट में पता चला कि एक ब्रेन डेड पेशेंट नारायणा में उसका फर्स्ट एपनिया हुआ है। तो फर्स्ट एपनिया उसका पॉजिटिव था और मोस्टली जो उनकी बातें हुई थी मतलब जो उनके परिजनों से, तो वो पॉजिटिव लग रहे थे कि ये ऑर्गन डोनेशन होगा। तो अतः हमें लगा कि हमारे को हमारे जो इस ग्रुप बी पॉजिटिव ग्रुप के पेशेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और जो स्टेट में चल रहा है अभी, क्योंकि पहले 2-3 महीनों में बहुत अच्छे डोनेशन हुए थे, लगभग 5-6 डोनेशन हो गए थे पूरे स्टेट में, पर पिछले 2 महीने से एक भी डोनेशन नहीं हुआ था। ये एक अच्छा मौका था स्टेट के लिए और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वापस गेयर अप करने के लिए। तो हमने हमारे जो रिसिपेंट जो रजिस्ट्री है उससे रिसिपेंट को कांटेक्ट किया, तो 3 रिसिपेंट जो टॉप प्रायोरिटी वाले थे उन्होंने मना कर दिया, कुछ नॉट रिचेबल थे। एक जो हमारा रिसिपेंट था, एक फीमेल है 44 साल की, जो कि ऑटोमन डिजीज से ग्रसित थी और ये सिंगल है और ये मेरे पास लगभग 1.5 से 2 साल से कंटिन्यू फॉलोअप में है। तो हमें लगा कि इसका ट्रांसप्लांट जस्टिफाइबल होगा, ये पेशेंट अगर करेगी तो इसकी उम्र भी ठीक है और अपनी लाइफ लॉन्ग जिंदगी से ही गुजार पाएगी। तो हमने इसको कांटेक्ट किया, इन्होंने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद में हमने जो प्री ऑप वर्कअप है वो कंप्लीट किया। वर्कअप में हमने कोविड ओविड सब जो प्रोटोकॉल है वो अपनाए, वो प्रोटोकॉल के तहत ही पेशेंट फिट रही। फिर रात रात जो बृहस्पतिवार की रात, तो उसी रात को मतलब मैं पता लगा कि सेकेंड एपनिया पॉजिटिव है और कंसेंट भी पॉजिटिव हो गई है। तो फिर हम जो है स्टेट अथॉरिटी जो भी सोटो है और सोटो की और जो हॉस्पिटल डोनर हॉस्पिटल है नारायण हॉस्पिटल, उसे पता लगा कि रिटर्न मोस्टली 2-3 बजे के लगभग होगा। तो लगभग फिर वो कुछ मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट भी यहाँ के लिए नोटो आईडी पे किया गया, तो हार्ट कहीं से मिला नहीं, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ। तो हमें 4-5 बजे के लगभग मिला कि हमें रिट्रीव करना है। तो हमारी टीम 4 बजे के लिए नारायणा विद्यालय से के गई रिट्रीवल के लिए। वहाँ 5 बजे के लगभग हमने उसका रिट्रीवल और ऑर्गन रिट्रीवल के लिए हमने ऑपरेशन शुरू किया, जो कि हमें लगभग 2 घंटे लगे। और 7 बजे 7:15 बजे के लगभग हमने रिट्रीवल का कार्यक्रम पूरा कर लिया कि ऑपरेशन के थ्रू, जिसमें पहले हमने लीवर निकाले जो कि लीवर SMS में आया है, और फिर एक एक किडनी SMS के लिए निकाली और एक किडनी माँ नारायण हॉस्पिटल के निकाली। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारी जो रिसिपेंट टीम थी वो तैयार थी, उन्होंने मतलब रिसिपेंट हमने आते स्टार्ट कर दिया। फिर हमने लीवर का एक्सप्लांट किया, लगभग हमारे को 10:30 बज गए थे, क्योंकि हमने लीवर जो रिट्यूल स्टार्ट 7 बजे के लगभग से स्टार्ट किया, 10:30 3 घंटे लगे। फिर उसके बाद में हमने उसको जो लीवर डोनेशन जो ऑर्गन डोनेशन से लीवर आया था उस और हमने इम्प्लांट किया, जो लगभग 12 बजे के लगभग खत्म हुआ, 12 बजे लगभग हुआ। फिर उसके बाद में कुछ दरमियान आर्टरी और डक्ट वो हमें करनी पड़ती है, तो उसे लगभग हमारे को 6 बज गए थे। तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक हमने ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया और हमारा पेशेंट थ्रू आउट मतलब ऑपरेशन के दौरान स्टेबल रहा और हमारे को कोई परेशानी नहीं आई। और ये जो लीवर ट्रांसप्लांट है बहुत ही स्मूथली हुई। ये लीवर ट्रांसप्लांट पहले SMS में लीवर ट्रांसप्लांट बाहर की टीम के द्वारा होता था, लेकिन ये जो लीवर ट्रांसप्लांट है, इससे पहले वाला भी हमने जो लीवर ट्रांसप्लांट किया था वो लीवर ट्रांसप्लांट केवल और केवल SMS की टीम ने किया है। SMS के सर्जन से मैं डॉक्टर दिनेश कुमार भारती, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ HP सर्जरी, मेरे साथ में HP सर्जरी में डॉक्टर आशुतोष पंचोली थे, डॉक्टर संतोष थे, उसके अलावा एनेस्थीसिया टीम से डॉक्टर त्रिशला जैन मैडम जो HOD हैं, डॉक्टर पूनम कालरा, डॉक्टर ममता, डॉक्टर योगेश मोदी और डॉक्टर सतवीर का बहुत ही सहयोग रहा, जिससे कि ये सब कार्यक्रम स्मूथली चला। उसके अलावा हमारे जो OT स्टाफ हैं, मिस्टर कपिल, मिसेज गीता देवी, ममता, ये सब उन्होंने हमारे ट्रांसप्लांट को बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया और ट्रांसप्लांट स्मूथली चला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा इसी तरीके से हम कैडेवरिक डोनर ट्रांसप्लांट पे कंसेंट रहेंगे, तो हो सकता है कि हम इस ट्रांसप्लांट को इस SMS जो है इंस्टीट्यूट है उसमें अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर पाए। धन्यवाद। कि एक किडनी हम लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए मिली थी, तो 32 वर्षीय कोटा निवासी एक जेंटलमैन को लगी और बहुत अच्छा सर्जरी रहा। कोई भी किसी तरह का हम लोगों ने कोई कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में नहीं हुई, और मेरे ख्याल से अभी हम मरीज को देख के ही आ रहे हैं। ट्रांसप्लांट के बाद में करीबन 6.5 लीटर यूरिन बन चुका है और हर घंटे करीबन 600 ml यूरिन आ रहा है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। और ये
जैसे आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम बड़ा स्ट्रांग है, एक नेशनल लेवल पे भी हम लोग बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कर रहे हैं। लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट तकरीबन 1000 कर चुके हैं और ये बहुत सेंस ऑफ हम लोगों के लिए प्राइड वाला चीज़ है कि इतने ट्रांसप्लांट्स हम लोग कर देते हैं। कुछ दिन नेचुरली आप लोगों को पता ही है कि ट्रांसप्लांट प्रोग्राम किन कारणों से बंद रहा, लेकिन जैसे सर ने बताया है कि सरकार का बड़ा पहल है कि भाई ये ट्रांसप्लांट वापस अच्छे तरीके से शुरू किया जाए और बहुत अग्रसर होकर के हम लोग करें ताकि जो पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं उनकी सफरिंग हम लोग दूर कर सकें। जहाँ तक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट का बात है, हम लोग 60 कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं और एक ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और आपके अस्पताल ने बनाया है कि भाई ट्रांसप्लांट यूरोलॉजी में सारी यूनिट्स करती हैं, तो एक बहुत अच्छा एक कंटिन्यूम है। हम लोग रोटेशन में करते हैं, कभी डॉक्टर शिवम की यूनिट वो करती है, कभी मेरी यूनिट करती है, कभी डॉक्टर नीरज की यूनिट करती है, तो हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। एंड ये भी बताना चाहूँगा कि डिफरेंट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे एम्स है, वो खुद एम्स में ट्रांसप्लांट इस साल से शुरू हुआ है, उनके पहले ट्रांसप्लांट दूसरे डिपार्टमेंट करता था। सो हम लोगों की बहुत आप ये है कि वे वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है और आगे भी इस तरह से जितना हम लोग हो सकेंगे, हम लोग चाहते हैं कि सारे पेशेंट्स को बेनिफिट मिले ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का। हमारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट एंड फॉर दैट हम लोग सर को और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली वेटिंग तो देखिए, जहाँ तक कैडेवर ट्रांसप्लांट की वेटिंग है, वो थोड़ी सी लंबी वेटिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखिए पेशेंट्स को जो रिक्वायरमेंट है किडनीज का, वो तो नंबर ऑफ केसेस आई थिंक दैट अभी जो वेटिंग में है अराउंड 125 है। जैसे बिकॉज अपने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन, इट इज़ अलाउड नॉट जस्ट फॉर राजस्थान, पूरे इंडिया से कोई भी आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट बड़े स्ट्रॉन्ग पहल कर रही है कि एवरीबडी शुड बी यू नो ऑर्गन डोनर। सो अगर हमको ऑर्गन डोनर ऑर्गन्स मिलते हैं तो मे बी उसी इन लेवल में ये हम लोग बैकलॉग कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एवरीबडी, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, डॉक्टर्स हैं, आमजन है, दे शुड बी विलिंग टू कम फॉरवर्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन। एंड ये एक अंगदान तो एक महान दान है ही, तो हम लोग थोड़ा सा और कंट्रीज के मुकाबले थोड़ा सा अंगदान में थोड़ा सा पीछे हैं। मे बी एजुकेशन और आप सब लोगों का बड़ा योगदान होगा टू एजुकेट द सोसाइटी अबाउट दिस ग्रेट थिंग अबाउट ऑर्गन डोनेशन। तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम तो है, बट मे बी आई थिंक वो गैप हम धीरे धीरे कम है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ साल तो लगेंगे वो गैप को कम। तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये नारायण विद्यालय के गुजरात निवासी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, यंग पेशेंट थे। तो एज अ रूल जो अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट लॉ है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई ब्रेन डेड पेशेंट है तो दो किडनीज निकलती हैं, उसमें से एक किडनी उस अस्पताल को मिलती है प्रत्यारोपण करने के लिए और एक किडनी SMS में आएगी हमेशा, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में हो रखी हो। लेकिन अगर ब्रेन डेड पेशेंट जो है वो SMS का है तो दोनों किडनीज, क्योंकि हम लोगों के पास वर्किंग पूल ज़्यादा है, पेशेंट्स का लोड भी ज़्यादा है, आम जन नेचुरली सब कुछ यहाँ पे फ्री होता है तो पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं प्राइवेट के मुकाबले, इवन तो प्राइवेट वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। सो अगर SMS का पेशेंट होता है तो दोनों किडनीज अपने को मिलती। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन डोनर थे वो गुजरात के थे और जो रेसिपिएंट थे वो 32 साल के कोटा निवासी थे।